गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल हमने टाइप पढ़े वन अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक एंड वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, जहां कोई वेरिएबल नहीं था, ओनली क्वाड्रेटिक ही था। ओके, तीनों भी सिचुएशन में हमने क्या यूज किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी उस क्वाड्रेटिक को हम लोग एक्सक्वायर का कोएफिशिएंट वन करके कंप्लीट स्क्वायर करके वो या तो पांच ग्रुप के फॉर्मेट में आएगा या तीन के या दो के। पर वेरी सिंपल, जब रूट क्वाड्रेटिक होगा तो वो तीन के ही ग्रुप से आएगा। ओके, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगा तो पांच के ही ग्रुप से आएगा और पांच के भी ग्रुप से वो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन के नहीं आएगा, सेक इनवर्स वाला फॉर्मूला बन के नहीं आएगा। कितना सिंपल है कि जैसे कल हमने देखे कि वन अपॉन अगर रूट क्वाड्रेटिक होगा तो उस क्वाड्रेटिक को बाहर निकल के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। बाहर में कोई वेरिएबल नहीं है ना, हम जानते हैं कि पांच के ग्रुप में सेक इनवर्स के फॉर्मूले में बाहर भी वेरिएबल होता है। बाहर में वेरिएबल नहीं है मतलब सेक इनवर्स का नहीं होगा, उसके बाद में रूट है करके टेन इनवर्स का नहीं होगा। फिर तीन ही फॉर्मूले आपके पास बचते हैं, या तो सेक इनवर्स वाला या फिर लॉग वाले, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एल एफ प्लस सेम वाले, ऐसे दो फॉर्मूले बचेंगे। और इसीलिए इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग स्टडी होना चाहिए कि हमको पता चल जाना चाहिए कि आंसर इसी में से कुछ आएगा, और यही चीज आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगी। तो वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा तीन ही प्रकार से आ सकता, कौन सा, अगर वो आना है तो साइन इनवर्स या फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एल एफ प्लस सेम वाला, समझे, तीन में से ही आ सकता है। और अगर ओनली रूट क्वाड्रेटिक होगा तो उसका आंसर तीन ही ग्रुप का फॉर्मूला एल एफ बाई टू इंटू सेम प्लस या माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू उसका पांच ग्रुप का रिलेटेड। ओके, और विदाउट रूट होगा, वन अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो उसके तीन फॉर्मूले आ सकते हैं, पांच के ग्रुप में से या तो वो टेन इनवर्स वाला आ सकता या फिर दो के ग्रुप में से वन बाई टू ए लॉग ऑफ वाला आ सकता, उसके अलावा दूसरा कोई भी आंसर यहाँ नहीं आ सकता। ये नॉलेज तुमको एमसीक्यूज के लिए भी यूजफुल रहेगा। अब रिजेक्शन तो आना चाहिए ना कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, सबके अपना टाइम बचेगा। ओके, तो अब वन अपॉन क्वाड्रेटिक होने के बाद में उसे की इंप्लीमेंट उसका ये भी आगे यूज है। नेक्स्ट टाइप है आपका लिनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक। ध्यान रहे मैंने लिनियर कहा है, लिनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक इन लिनियर फंक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक भी आपका क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स, क्वाड्रेटिक इन लॉग एक्स, ऐसा कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक भी लिनियर में ही होगा, एक्स में होगा, एक्स प्लस वन में होगा, टी में होगा, समझे। तो लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लिनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या लिनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, कल ही के टाइप में हमने उसमें लिनियर फंक्शन को इंटू अटैच कर दिया है। ओके, ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे, इन दिस टाइम वी फाइंड सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सच दैट, कैसे होना चाहिए वो ए और बी, सच दैट दैट लिनियर फंक्शन बिकम्स दैट कॉन्स्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। इस कंडीशन के सेटिस्फाई करने वाले दो कॉन्स्टेंट्स ए और बी हम फाइंड करेंगे, इस कंडीशन को अरेंज करेंगे, ए और बी को हम फाइंड कर लेंगे, और फिर ए और बी फाइंड हो जाएगा तो फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करके इस लिनियर फंक्शन की जगह पर ये जो आपने फाइंड कर लिया ए और बी, हम लिनियर की जगह पर जाके वहां पर पुट कर देंगे इंटीग्रैंड में। मतलब इस लिनियर की जगह पर हमने ये फाइंड किया सपोज, तो इस लिनियर की जगह पर इसे जाके पुट कर देंगे, फिर सोचेंगे क्या होता है, या फिर इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे लिनियर की जगह पुट कर देंगे, या फिर इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे लिनियर की जगह पुट कर देंगे। तो इनमें से कोई एक कंसीडर करके क्या होगा ये हम बता रहे हैं को। तो हम क्या करेंगे, लिनियर फंक्शन की जगह पर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ये जाके सपोज मैंने थ्री नंबर का कंसीडर कर लिया और इसमें इसकी जगह पर इसे जाकर पुट कर दिया। ओके, और ये रूट क्वाड्रेटिक एज इट इज। ओके, सो कंसिडर आफ्टर हैविंग ए एंड बी विल अस कंसिडर थ्री, एंड ये ब्रैकेट कंस्ट्रक्शन देखो मेरा, इस ब्रैकेट में पहले क्या था, लिनियर फंक्शन था, और वो लिनियर फंक्शन के जगह पर देखो लिनियर फंक्शन के जगह पर ये जो ए बी फाइंड करने के बाद ये जो आया ये हमने यहाँ पुट कर लिया, यह समझा, और इनटू रूट क्वाड्रेटिक जैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो दिस ये वाला जो है दिस इंटू रूट क्वाड्रेटिक प्लस बी इंटू रूट क्वाड्रेटिक, इतनी स्टेप समझ में आ गई, और इसके बाद आप जो भी आओगे वो आपका इंटीग्रेबल ही होगा। इंटीग्रेबल जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं
कि देखो ए कॉन्स्टेंट है तो ए कॉन्स्टेंट को तो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, पहले मैं इसका डिस्कस कर रही हूँ। ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ पर ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, अगर ओनली रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता तो हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लेकिन बाजू में और कुछ है तो ओनली रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं। तो फिर बाजू में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वाड्रेटिक है, मतलब जहां रूट एल एफ नहीं है, रूट एल एफ नहीं है तो रूट ऑफ दूसरा कोई फंक्शन है तो उसको हम एफ ऑफ बोल रहे, सपोज तो रूट ऑफ एफ ऑफ यहाँ दिया है तो फिर उस एफ ऑफ का डेरिवेटिव भी यहाँ आ चुका है, समझे कि नहीं? हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इस रूट के अंदर का इस फंक्शन को हम टी पुट करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव डीएक्स को लेकर बन जाएगा, डीटी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इंटीग्रेबल में आ जाओगे। सिमिलरली इसको जब इंटीग्रेशन आप डीएक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो बी कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा प्योरली रूट क्वाड्रेटिक। हम रूट क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फिर देखिए अब मैंने क्या किया, ये एक मिनट, ये डीएक्स मैंने यहाँ पर, पहले मैंने डीएक्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, पहले मैंने क्या कर लिया, ओनली इस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन सा मल्टीप्लाई वाला, और उसके बाद अब मैं डीएक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैंने लिख दिया था ना मिटा दिया मैंने यहाँ से, है ना। ए कॉन्स्टेंट को बाहर लिखकर इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इनटू डिवाइड एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक और ये रहा आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डीएक्स प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और ये रहा आपका डीएक्स। ये स्टेप समझे? और ये क्वेश्चन बनेगा सब्स्टिट्यूशन का, हम क्या करेंगे रूट के अंदर के क्वाड्रेटिक को टी पुट करेंगे तो फिर डिवाइड डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वाड्रेटिक डीएक्स का कन्वर्शन हो जाएगा डीटी, तो क्वेश्चन बनेगा रूट टी डीटी एंड रूट टी का इंटीग्रल आएगा 2/3 टी का पावर 3/2 आएगा एंड फिर वो टी की जगह वहां पर से क्वाड्रेटिक को पुट कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट भी 2/3 आकर ही रहेगा और 2/3 के साथ में ए मल्टीप्लाई रहेगा तो रिड्यूस जो होना है वो कर रहेगा, ठीक है। प्लस बी इंटू इसको आई टू, इसका इंटीग्रल अलग से हम निकाल करेंगे तो इसमें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आएगा और वो आपका तीन के ग्रुप से फॉर्मूला आएगा, दोनों मिला के आंसर उसको फिर कंबाइन कर देते हैं, इस तरीके का एक फॉर्मेट है। इनडायरेक्टली हम ये वीडियो ऐसे सुन रहे हो कि इसको डिस्कस करने के लिए ही पूरा बना रहे हैं, कि एक क्वेश्चन नहीं पूरा वीडियो डिस्कस कर रहे तीन टाइप को कंबाइन करके। ओके, अगर यहाँ अपनी मर्जी से हमने क्या किया, हमने ऐसे ही और डिफाइन किया कि ताकि ये वाला डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस समथिंग ये करने से उसका आंसर ये बन जाए, तो ये मैंने एल्गोरिथम को फॉलो किया, मतलब ये अरेंज किया, उसमें पुट करूंगी ए और बी को फाइंड करूंगी और ऊपर जाके जो है मैं इंटीग्रैंड में सब मतलब लीनियर की जगह पुट कर दूंगी। लेकिन अगर वो चीज आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या चल रहा है मालूम है आपको, एनी हाउ इस न्यूमरेटर में यानी कि लिनियर की जगह मतलब न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर का हिस्सा या फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आता होगा तो फिर आपको पता है उसका आंसर क्या पड़ता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ या फिर सब्स्टिट्यूशन होता है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर देखो सपोज ये 3 की जगह पे मैंने पकड़ लिया, ये नंबर 2 वाला पकड़ लिया, ओके तो नंबर 2 में भी क्या करेंगे लीनियर की जगह पे इसे पुट कर देंगे। तो चलो देखो मैं रफ में आपका डिस्कशन करके बता रही कि नंबर 2 में मैंने लीनियर की जगह पे इसे पुट कर दिया a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, और जैसे वो वहां पे इंटू में था ये कहा है आपका अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक, समझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रफ थिंकिंग कर रहे हैं हम क्या करेंगे रूट क्वाड्रेटिक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए बाहर निकलेगा तो ए इंटू ऊपर में आएगा डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक डीएक्स भी लगा दे रहे हैं और अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड प्लस बी, जब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा डीएक्स अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, सेम फॉलो है यहाँ पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और यहाँ पर भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ में आया। वापस से आप देखेंगे 1/√LF जो नहीं है, है क्या नहीं, 1/√ ओनली क्वाड्रेटिक होता ऊपर में कुछ भी नहीं होता तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं, तो लेकिन 1/√ क्वाड्रेटिक के साथ में ऊपर भी कुछ है तो फिर 1/√ कंपोजिशन तो इस एफ ऑफ का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर मतलब इनटू अटैच होगा
तो आप इसे टी वुड करेंगे। इसका डेरिवेटिव वुड के अंदर एलेफ नहीं है ना, वुड के अंदर क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव इनटू है कि नहीं, तो फिर ये आई वन और आई टू, फिर हम क्या करेंगे इस क्वाड्रेटिक को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव डीएक्स को लेकर डीटी बन जाएगा और क्वेश्चन आएगा वन अपॉन रूट टी, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रल आएगा टू रूट टी अपॉन द डेरिवेटिव एंड फिर टी की जगह वापस से वो वाला क्वाड्रेटिक आपको रख देना होगा, समझे। और इसमें कैसे करेंगे बोलो बना, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, ऊपर में पूछा क्या न्यूमरेटर में, इंटर में पूछा क्या नहीं, तो कौन से मेथड से करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कौन से इसमें से आंसर आएगा, चार में से कौन सा आ सकता है, या तो साइन इनवर्स वाला या फिर दो लॉग वाले, तीन में से समझा। तो इस तरीके से अगर बोलो कि नंबर टू में हमने इसमें यह एल्गोरिथम फॉलो किया था, क्या होगा बोलो बना, नंबर टू है आपका, तो नंबर टू में यहाँ पर क्या आएगा, आप जब नोट्स डाउन करेंगे तो रूट क्वाड्रेटिक का भी फॉर्मेट आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ से मैंने ओनली क्वाड्रेटिक लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली क्वाड्रेटिक, यहाँ पर भी क्या आएगा, ओनली क्वाड्रेटिक, दिस अगेन आई वन एंड आई टू, अब क्या होगा बोलो बना, यहाँ से दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, यहाँ तो कोई कंपोजिशन है ही नहीं, या सीधा जो एपॉक था रूट ऑफ फंक्शन के अंदर फंक्शन है क्या, इसके पहले क्या था रूट ऑफ एपॉक, तो रूट अपने आप में फंक्शन था, उसके अंदर फंक्शन था, वो हुआ कंपोजिशन, तो उसमें आपको उसके सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट करके दिखाना पड़ा, ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक का ही डेरिवेटिव ऊपर डिनोमिनेटर के फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा, तो आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ दैट डिनोमिनेटर, इसका आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक, ओके क्योंकि उसका डेरिवेटिव है कि नहीं, ओके प्लस और ये रहेगा आपका वन अपॉन क्वाड्रेटिक है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इस तरीके का आप प्रीवियस जो टाइप पढ़ चुके हैं वो टाइप यहाँ पे इन्वॉल्व है और इसके पास कुछ नहीं है, इतना चिल्लर टाइप है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको एक्यूरेसी के साथ में स्पीड भी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगा। नाउ राइट डाउन दिस वन, हाँ तो देखो स्टूडेंट्स अभी एक क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस टाइप में क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की जगह पर क्या है एंड प्लस बी इंटू प्लस बी, ओके ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, सो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए इंटू टेन एक्स माइनस वन और ए प्लस बी, अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स तो क्या आएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा आपका टेन ए, और कोई एक्स है क्या, नहीं है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या, सॉरी हाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है टू, तो फिर ए इज इक्वल टू क्या आएगा टू बाई टेन, दैट मीन्स वन बाय फाइव, एक्स का कोएफिशिएंट यहां से टेन ए था और यहां से क्या था टू, ओके तो ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है। नाउ इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, तो क्या आएगा माइनस ए प्लस बी, ये है आपका कॉन्स्टेंट, ओके ए की जगह पे वन बाय फाइव रख दो माइनस वन बाय फाइव प्लस बी, माइनस वन बाय फाइव को इधर लेके आते हैं, आंसर आएगा माइनस फोर बाय फाइव, दिया था आपका ए और बी का आंसर, तो ए और बी का आंसर यहाँ पर लेकर हम लोग क्या करेंगे इसकी, इसको लेकर इसकी जगह पुट कर देंगे, देखो देन आर इज इक्वल टू, देन आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पर हम पुट करेंगे ए की वैल्यू क्या है वन बाय फाइव इंटू टेन एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू माइनस फोर बाय फाइव होल डिवाइड बाय रूट ऑफ, और ये ना आपका डीएक्स, ओके अब इसको हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा वन बाय फाइव अपॉन, और यहां से माइनस फोर बाय फाइव अपॉन
ओके अब इसको आई वन ले लेंगे और दूसरे को आई टू ले लेंगे ओके सो अब यहां से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओके रूट इसको भी टेबल का आई वन और आई टू लेकर हम सॉल्व करेंगे तो सी हियर आई इज इक्वल टू हम दे लेते हैं आई वन प्लस आई टू माइनस को अंदर कर दो तो आई वन प्लस आई टू इसको नंबर वन लेके रख देते हैं और कंसिडर आई वन इज इक्वल टू आई वन मतलब ये पूरा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाई दिस रूट ऑफ फिर एज यूजुअल वी हैव डिस्कस्ड मतलब हमने पहले कर चुके हैं कि इसके डेरिवेटिव में ये आता है इसलिए हम क्या करेंगे इसको टी पुट करेंगे तो पुट दिस वन इज इक्वल टू टी देन इसका डेरिवेटिव डीएक्स इज इक्वल टू डीटी देन क्वेश्चन बिकम्स डीटी अपॉन रूट ऑफ टी मल्टीप्लाई 1/5 ओके एंड 1/√ एलएफ बन चुका है टी के रेफरेंस में तो आंसर बनेगा 2√LF अपॉन डेरिवेटिव नेट एल एफ 1/5 एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट लेंगे सी वन क्योंकि नया दूसरा भी एक क्वेश्चन है उसको हम सी टू करने वाले हैं ओके तो सी वन ले लिया और फिर टी की जगह पर आपने जो पुट किया वो यहाँ रख दिया ठीक है ये एक निकला नेक्स्ट वन आई टू क्या बनेगा माइनस 4/5 dx अपॉन रूट ऑफ दिस वन सो फिर ये आई टू इज इक्वल टू हमने ले लिया इसकी भी हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं माइनस 4/5 जैसे का वैसा ही रहेगा लेकिन 1/√ क्वाड्रेटिक है तो उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे ओके सो ये 5x² - x - 1 बाहर कंसीडर कर लिया पहले तो x² का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए 5 को कॉमन निकाल लिया फिर इसका कोएफिशिएंट 1/5 का हाफ 1/10 और उसका स्क्वायर 1/100 तो +1/100 - 1/100 और ये जैसे का वैसा ओके दिस बिकम परफेक्ट स्क्वायर एक्स माइनस 1/10 का होल स्क्वायर एंड दिस वन माइनस ऑफ एलसीएम आएगा 100 × 20 × 20 तो 21/100 तो ये जाकर हम पुट कर देंगे किसमें इसमें और हम तीन रूट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो फिर अब ये जो कन्वर्शन है आई टू में जाके पुट कर दिया आई टू इज इक्वल टू -4/5 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन स्क्वायर रूट इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमने बना दिए वो यहाँ पुट कर दिया ओरिजिनल जो था ना अपना क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक के जगह पे इसे पुट कर दिया अब ये होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई 5 तो 1/√5 को हम बाहर ले सकते हैं तो ये आपका -4/5 ये पहले से ही था और ये अपन लेंगे -4/5 और ये जो निकलेगा ये आपका क्या रहेगा √5 स्क्वायर रूट का ब्रैकेट में होल लिखा रहेगा 1/√LF²-A² आपको टाइप पढ़ते आना चाहिए हम लोग तो एक स्टेप ऐसे बना सकते -4/5 × 5 × dx/√ ये ऐसा लिख डालेंगे √21/10 का होल स्क्वायर लिखेंगे ऐसा बन गया ना 1/√LF²-A² वेरिएबल पहले है तो बीच में -a² / 2 आएगा ठीक है वेरिएबल पहले ही नहीं माइनस में तो क्या बोलेंगे जैसे का वैसा कॉन्स्टेंट ब्रैकेट LF/2 × same ओके LF/2 × same -a² मतलब इसका स्क्वायर 21/100 a² / 2 a² मतलब 21/100 एक मिनट अरे नहीं इसमें ना ये फॉर्मूला गलत हो गया है एक मिनट ये जो कन्वर्शन का ये तो सही था ये बोलना ये रूट के अंदर नहीं है ये कौन सा 1/√ ऑफ है तो 1/√ को अपने फॉर्मूला कौन सा आएगा बोलो बना 5 के ग्रुप का फॉर्मूला 1/√LF²-A² वो जो हम लिखने जा रहे थे वो न्यूमरेटर का हिस्सा था ओके तो इसमें क्या रहेगा आपका -4/5√5 × 5√LF²-A² का रूट तो क्या आएगा log(mod)LF+sin से मतलब ये क्या रहेगा आपका √21/10 को आप
21 ये होल स्क्वायर है कि नहीं, 21/100 लिख सकते हो, और ये बनेगा log of mod of lf plus c upon the derivative of that lf and then plus c. डेरिवेटिव में तो वन ही आएगा ना, और प्लस सी में क्या लेंगे, सी टू, एंड दिस इज लेंगे नंबर थ्री. नंबर वन में क्या था, आई वन प्लस आई, नंबर टू में आई वन का आंसर, नंबर थ्री में आई टू का आंसर. तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री आई इज इक्वल टू बनेगा, पहले हम लिखेंगे आई वन का आंसर, वो था आपका कितना, टू माइनस था सबने, टू बाय फाइव स्क्वायर रूट ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी वन का. हम क्या करेंगे, सी वन प्लस सी टू का डायरेक्टली सी लिख देंगे. अब लेंगे ये वाला आंसर, क्या आएगा, माइनस फोर अपॉन फाइव रूट फाइव लॉग ऑफ मॉड ऑफ प्लस रूट ऑफ, अब इसे करते रूट ऑफ ऐसा आएगा, और लिखेंगे C, तो बाद में बोलेंगे C1 प्लस C2 इक्वल नया कॉन्स्टेंट C हमने लिख दिया. ओके राइट नाउ स्टूडेंट्स, सो वी विल ब्रेक योर वीडियो. जैसे एक सिलेबस चेक हो रही थी, तो रूट ऑफ न्यूमरेटर, तो ऐसा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा. ओके और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने मर्जी से तैयार करके आप प्रैक्टिस करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके.